फ्रेंड्स, वेलकम टू शख्सत मंत्र। अगर आप NTPC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अब ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं बचा है। और कुछ ये जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो 28 मार्च 2016 को हुआ है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करिए और बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं। तो देखिए, मैं इसमें बताऊंगी आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, 100 मिलियन किसके बराबर होता है? तो 100 मिलियन बराबर होता है, इसका ये आंसर है, 100 मिलियन बराबर होता है 10 करोड़ के। ये जो ऑप्शन है, 10 करोड़ के बराबर होता है 100 मिलियन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का SI मात्रक है कुलम्ब। कुलम्ब विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इन क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाए हैं तो ये ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे। ये 2016 का है, इसलिए करंट अफेयर्स भी आता है। और देखिए, ये जो इसका करेक्ट आंसर है ये है योंगचांग। तो 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल का जो आयोजित हुए थे वो योंगचांग में आयोजित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, जो चाप का वायविन के साथ संबंध है वही प्लेक्टून पत्ती का संबंध है। किसके साथ? उंगली, तबला, सितार या तार का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सितार का। तो जो चाप का वायलिन के साथ संबंध है वही प्लेक्टून, जो पत्ती होती है उसका सितार के साथ संबंध होता है। पत्तियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पत्तियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। तो पत्तियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता था? तो इसका सही आंसर होगा स्टेन वावरिंका। स्टेन वावरिंका ने 2015 में पुरुष फ्रेंच ओपन पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे ये आप लोगों को इसका आंसर बताना है। इसका कुछ डाउटफुल है तो इसके लिए बताया गया है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, क्योंकि ये आप लोगों ने देखा होगा कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन श्री राजगोपालचारी भी हैं, वो भारत के गवर्नर जनरल थे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यदि घड़ी में 10 बजे हों तो घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई कितनी डिग्री का कोण बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा 60 डिग्री का। अगर घड़ी में 10 बजे होते हैं तो जो घड़ी की मिनट वाली सुई होती है वो 60 अंश का, 60 डिग्री का कोण बनाती है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है ऑप्शन ए, माइक्रोचिप। जो कंप्यूटर चिप होती है, माइक्रोचिप्स, उसका दूसरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा होता है? तो इसका आंसर देखिए, हीलियम। हीलियम, ये जिसमें टिक, ग्रीन टिक लगा हुआ है, ये इसका आंसर है। ब्रह्मांड में जो दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है वो हीलियम। और अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, ये बी आंसर इसका सही होगा। इसके बाद देखिए, जैसा टीकाकरण के लिए बीमारी है वैसे ही रखरखाव के लिए ऑप्शन बी खराबी है। अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? तो जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, तो ये आप लोग बता पा रहे होंगे, ALU कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है ऑप्शन सी, गन्ना से। चार ऑप्शन है, चावल, सूरजमुखी, गन्ना और पेट्रोल। तो इसका जो आंसर सही है वो है गन्ना। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। खो खो के खेलों में कितने जो खिलाड़ी खेलते हैं? तो मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसके जो खिलाड़ी होते हैं वो होते हैं 9, ऑप्शन बी।
विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। फ्रेंड्स, ये रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन्हें रिपीट कर लें। रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है यूके, यूनाइटेड किंगडम में। पद्म श्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो आप लोग इसका आंसर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, कौन से थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बलवीर सिंह सीनियर। पद्म श्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी के खिलाड़ी, तो ये ध्यान देना है कि बलवीर सिंह सीनियर। अगला क्वेश्चन, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थित रहता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फलक्रम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन है, अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, राकेश शर्मा और होमी भाभा। सो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राकेश, जो ऑप्शन बी है 3 का, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? चार ऑप्शन है, जीवी मालवंकर, सुमित्रा महाजन, एस राधाकृष्णन और राजेंद्र प्रसाद। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवी मालवंकर, क्योंकि लोकसभा के पहले अध्यक्ष, इन्होंने पहले स्पीकर के बारे में पूछा है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जो जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साइनी विल्सन। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो देखिए ऑप्शन सी इसका जो है, ये कमलजीत संधू। कमलजीत संधू इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कमलजीत संधू। जो लोग साइनी विल्सन बता रहे हैं वो नहीं होगा, ये सही आंसर होगा कमलजीत संधू। अगला क्वेश्चन, फिर देखिए, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम, जो उपग्रह है, तो किस ग्रह के उपग्रह का नाम है गैनीमेड? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बृहस्पति। बृहस्पति का जो उपग्रह है उसका नाम है गैनीमेड। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है बी, जो 2 है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये आंसर आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन सी, 2। अगला क्वेश्चन, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो नागार्जुन बांध, अलमट्टी बांध, इंदिरा सागर बांध, ग्रैंड अनिकुट बांध। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रैंड अनिकुट कल्ला नाई। भारत में सबसे पुराना बांध है ग्रैंड अनिकुट कल्ला नाई। अगला क्वेश्चन, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर हो CN अन्नादुरई। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो DMK है उसकी स्थापना की थी CN अन्नादुरई। अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1913 में। ये देख लीजिए आप लोग, 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है ऑप्शन सी, बुध। मोटापे को नापने के लिए निम्नांकित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी, BMI का मोटापे को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें आपको बताना है, जो अनोखा है वह मालूम करें, मंदिर, ईंट, महल, घर, इन सब में क्या अनोखा है? तो देखिए इन सब में
जो ऑप्शन बी आंसर है इसका वो ईट है। ईट सही है क्योंकि ईट से ही मंदिर बनता है, ईट से ही घर बनता है और ईट से ही महल बनता है, सो इसका आंसर सही होगा ईट। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है बताइए, डॉल्फिन के समूह को गैंग, पॉन्ड, कॉलोनी या स्लूथ क्या कहा जाता है? तो डॉल्फिन के समूह को ऑप्शन बी पॉड कहा जाता है, डॉल्फिन का जो समूह होता है उसे पॉड कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कनाडा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे दूसरा जो दूसरा देश है, सबसे बड़ा दूसरा देश है वो कनाडा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है PSLV से क्या अभिप्राय है? तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है इसका मतलब होता है PSLV, ये फुल फॉर्म है PSLV का। AQI से क्या अभिप्राय है? तो AQI से अभिप्राय है बताइए इसका आंसर क्या होगा, एयरपोर्ट क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, आर्मी क्वालिटी इंडेक्स या एयर क्वालिटी इंपैक्ट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी एयर क्वालिटी इंडेक्स। किस देश ने USA को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? तो ये देश बताना है कि किस कंट्री ने USA को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी फ्रांस ने USA को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम है? वॉल्ट डिज्नी, स्टीवन स्पीलबर्ग, रिडले स्कॉट या जोसेफ एम न्यूमैन। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी को ऑस्कर पुरस्कार सर्वाधिक जीतने वाले पुरुष का रिकॉर्ड इनके नाम पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? कोपेनहेगन, ब्रिस्टल, सिडनी या कैनबरा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोपेनहेगन। जो डेनमार्क की राजधानी है उसका नाम है कोपेनहेगन। अगला क्वेश्चन है, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? मॉस्को, नई दिल्ली, पेरिस या लंदन। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए मॉस्को। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी 11। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? जूस, लाइका, रोजर या स्पुतनिक। तो अंतरिक्ष में जो जाने वाला सबसे सबसे पहला कुत्ता था उसका नाम है लाइका, जो अंतरिक्ष में सबसे पहले गया था। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी सोनार। सोनार के द्वारा जो पानी के अंदर वस्तुएं पड़ी होती हैं उनका पता लगाया जाता है। अब देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, दो मांद के लिए, जो मांद के लिए शेर है वह चिड़िया खाने के लिए, मतलब शेर मांद में रहता है तो चिड़िया खाने में ऑब्वियसली चिड़ियाएं ही रहेंगी, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? मेरी क्यूरी, जोनास रॉल, रुईस पाश्चर या एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो करेक्ट आंसर होगा जोनास शॉल्क। पोलियो के टीके की खोज की थी जोनास शॉल्क ने। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थे जीके से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो रेलवे NTPC RRV NTPC में पूछे गए हैं, और इनमें से आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। और हमारे अगली सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। कल फिर से हम आपके लिए नई सीरीज लेकर के आएंगे जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन और भी बेहतर होगी, और किसी भी एग्जाम को देने के लिए उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।